कहाँ मोमो खाए मीठा और जिसका बीवी को लाइन मारा तो उसका हस्बैंड जाके बोलेगा कि ये मेरे को दो। मेरा बीवी को क्यों लाइन मारा? ओके ये इतना बड़ा कलेक्शन भी है हागर लगत हास और फ्राई मास। यस नाइस। So this was the living room and let me show you what is outside. बताओ अगर ऐसा व्यू अगर सुबह सुबह उठ के देखने को मिले तो किसका मूड अच्छा नहीं होगा न? किसका मूड अच्छा नहीं होगा। So hey guys, a very good morning and welcome back to the channel. Welcome back to the second episode of the vlog that is from Yingkiong to Tuting. कल का राइड जितना इजी था जितना ऑसम था आज का राइड आई होप कि एडवेंचरस हो, बहुत ज़्यादा कमर टोल ना हो, लेकिन चलिए जो भी है पता तो है कि आगे रास्ता थोड़ा सा एडवेंचरस। एंड बाकी लोकेशन लोकेशन ओ माय गॉड दिस इज ऑसम। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है ना। चलिए ऊपर से दिखते हैं। So this is the kitchen. दीदी दीदी वो ब्रेकफास्ट मिल जाएगा क्या? दीदी उठ गए थे ना? गुड मॉर्निंग। कब उठे आप? 6 बजे। 6 बजे तो अभी आप ब्रेकफास्ट बना देंगे ना? हम लोग रेडी होके आते हैं फिर। हाँ हो गया ना ब्रेकफास्ट? हो गया क्या? ये आपका ड्राई आलू है मतलब मीठा आलू है की खाई सर मेरा काट आलू ब्रेड बटर एग हेल्दी ब्रेकफास्ट तो काट आलू घर थोड़े रखा हो यार। एंड ठीक है होंगे बाय बाय। तो ये होम स्टे तो बहुत ही ज़्यादा औसम था मतलब। हाँ 1000 रुपीज़ में सब कुछ खाना वाना खा पी के मतलब बहुत ही औसम है। बाइकर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया। लोकल राइस बियर भी हमें मिला मैंने। हाजू खुआ ले बाबा हाज खुआ ले मिठोड़ा मांगो खुआ ले रातिपा ब्रेकफास्ट खुआ ले मजा के थाकी लो और की लागे। तो अगर आप इस वाले होम स्टे पे आओगे तो इंक्योंग पहुंचते ही जो ये 5 आली मिलेगा आपको 5 आली एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है तो दिस 5 आली। तो ये 5 आली से आपको सबसे पहले वाला आली में जाना है तभी मिलेगा आपको। वैसे कोऑर्डिनेट्स का तो क्या है मैं फ़ोन नंबर तो दे ही रहा हूँ फ़ोन करके आ जाना। एंड दिस इज द इंक्योंग मार्केट। ओ माय गॉड ये तो एकदम ही नया एक्सपीरियंस है। यहाँ पे पेट्रोल पंप ढूंढना भी एक टास्क ही है। अब हमें बोल के भेजा था कि यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप है, एक है बीपीसीएल का और एक है इंडियन ऑयल का। बीपीसीएल वाला ख़राब है मतलब वहाँ पे अगर आप पेट्रोल डालोगे तो फिर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी और वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते भाई साहब गाड़ी ख़राब होने की। भैया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है क्या आगे? इंडियन ऑयल का आगे में है। ठीक है धन्यवाद। चलो चलो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ढूंढना भी एक टास्क है मतलब भाई साहब ये। ओके 95.83 तो इट इज़ 7:50। हाँ 7:50 और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राइड। नीचे वाला या ऊपर वाला? हाँ हाँ। आपका नाम बताइए। तो मेरा नाम इंद्रजीत। हाँ भाई साहब व्यू देख रहे हो गांधी ब्रिज। ओ भाई साहब दिस इज लुकिंग awesome। टूटिंग किस साइड जाना है? टूटिंग अच्छा नहीं नहीं यही है। नहीं मैप्स तो नहीं काम करता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ये, लेकिन रास्ता यही है। एक मिनट गांधी ब्रिज पहुँच के गांधी ब्रिज से आपको ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है। लेकिन केला दुईफाले ही केला ऊपर ऐसे केला। हाँ दीदी ये गांधी ब्रिज पहुँच गए हम लोग। उसके बाद लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है? राइट लेना है। राइट लेना है ना। सो गाइस अभी हम लोग फिलहाल नॉर्मल हाईवे पे निकल गए हैं आफ्टर क्रॉसिंग दैट हाईवे। हाँ तो जो रूट है एक मिनट कंफर्म भैया, टूटिंग जाने का रास्ता यही है ना? हाँ टूटिंग नीचे। एक मिनट तो हमें वो नीचे जाना है। एक मिनट नहीं वो जो ब्रिज है हम तो उसी रास्ते से आए हैं। नहीं वो जो आप गांधी ब्रिज से आए हैं ना। हाँ उसके दो रास्ते हैं, इधर से भी आप गांधी ब्रिज जाएंगे, इधर से भी आप गांधी ब्रिज ही जाएंगे। तो हम लोग ये ऊपर से निकले हैं अभी। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं वापस पहुंच जाते हैं। अच्छा ये तो आप ये नीचे जाना है। अच्छा ये नीचे नहीं जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अच्छा ये ऊपर जा रहा है। ओके क्या कंफ्यूजन वे केला गुटे आईफल है साला। अच्छा भैया कि मैंने पूछ लिया, नहीं तो कलेश ही हो जाता। अरे वाह 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 ये है ओरिजिनल हाईवे, वो नहीं था। कोई एक्सपेक्टेशन रखो ही मत मतलब आज के राइड में। तो एज़ पर गूगल मैप्स अगर आप देखोगे एज ऑफ नाउ तो फिर वो बताता है नियर अबाउट 273 किलोमीटर्स के आसपास है। लेकिन गूगल मैप जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रास्ता दिखाता है। वो दिखा रहा है आलो वाला रास्ता जो लिटरली थोड़ा सा दूर है। बट एज पर अगर आप यिंकियोंग से होते हुए आते हो तो अगर आप यिंकियोंग से होते हुए जाओगे तो फिर यहाँ पे हमें होम स्टे में यही बताया है कि दैट इट इज़ 187 किलोमीटर्स एंड लुक एट द व्यू भाई। प्योर ब्लू वाटर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब बस रास्ता बनने की देरी है, उसके बाद तो ये सब एकदम जन्नत जैसी लगेगी, जन्नत। लेकिन हम लोग बोल तो सकते हैं ना भाई साहब, कि बोल क्या दिखा सकते हैं, बोलेंगे क्यों। हम लोग तब गए थे जब रास्ता खराब था। उसे कहता है ट्रैवल एंथुसियास्ट, उसे कहते हैं राइडर्स। इजी रोड पे तो हर कोई आ सकता है, जैसे कल आए हम लोग वो तो इजी था। ये है आज आपका एग्ज़ाम, आजकल लोग लद्दाख जाते हैं लेकिन फिर भी ज़ंस्कार क्यों करते हैं? ज़ंस्कार इसीलिए करते हैं बिकॉज ज़ंस्कार इज़ टफ। आप अगर कुछ टफ काम नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आता है ना, वो एड्रेनलिन रश नहीं मिलता है। यू शुड डू समथिंग लिटरली वेरी टफ। वाह, ये माता का मंदिर। ओ हो, जाना रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन भाई साहब क्या व्यू है। ये मेरे को लग रहा है फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है रिसेंटली। भाई साहब अपनी किस्मत अच्छी है कि हम लोग बारिश में नहीं आए हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना देर पता नहीं। यहाँ से इंक्योंग कितना दूर है? इंक्योंग कितना दूर है यहाँ से? और इंक्योंग बोल रहे हैं तुतिंग यहाँ से 130 130। हम लोग डिब्रूगढ़ घूमने जा रहे हैं। तब तो साला एक ही दिन में कर देंगे हम लोग। नहीं, आने के टाइम पे सोच रहे हैं कि टूटिंग से डिब्रूगढ़ एक दिन में। रोड बंद रहता है ना भैया, कैसे होगा? ओहो, अभी भी यहाँ होगा, थोड़ा आगे जाके 300 जगह कटिंग चल रही है मतलब। हाँ। ओपन रोड में तो चले जाएंगे, आगे बारिश हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। आज रास्ता ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे नहीं, कैसा है इससे भी बुरा। एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं हमारा। कैसे घूमने आज नहीं पहुँचेगा? क्यों क्या रास्ता खराब है क्या? हाँ? तो चलिए, रास्ता खुल गया है। ये मेरे को लग रहा है फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है रिसेंटली। भाई साहब अपनी किस्मत अच्छी है कि हम लोग बारिश में नहीं आए हैं।